सलाम ठोक सर झुका, तू दुम दबा चल रास्ता नाप ले, कपड़े सिलाए खुद के पैसे से ना लिए तेरे बाप से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ये फिल्म फाड़ के निकलेगी एंड दिस इज माय गारंटी टू ऑल ऑफ यू, गली बॉय इज गोना बी वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स ऑफ 2019। ये ट्रेलर, अगर मैं सरल भाषा में बोलूं, दिस इज अ फाड़। आई मीन रणवीर सिंह हर उस चीज पे जो उंगली रख रहा है वो सोना बन रही है। ये ट्रेलर, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ट्रेलर्स आई हैव सीन इन हिंदी सिनेमा। सीरियसली बोल रहा हूँ गाइज। और जो लाइन है, अपना टाइम आएगा तू नंगा ही तो आया है क्या, घंटा लेके जाएगा। वाओ मैन, रैपिंग रैपिंग कल्चर, जब से मैंने इसका जो गाना आया था जो पहला वाला, उसके बाद मैंने पूरा इस फिल्म के बारे में पढ़ा कि व्हाट दिस फिल्म इज ऑल अबाउट। लिटरली स्पीकिंग, मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट पे पिछले 3 दिनों से दो लोगों के गाने हैं, एक डिवाइन और एक नेजी। इन बंदों की जब स्टोरी मैंने पढ़ी, स्पेशली डिवाइन की, कि किस तरह से डिवाइन यहां से लेके यहां पहुंचा, और नेजी की, माइंड ब्लोइंग मैन। डिवाइन का मैंने इंटरव्यू भी देखा अनुपमा चोपड़ा जी के साथ में, दिस गाय इज समथिंग टू अनदर लेवल। इसकी फैन फॉलोइंग अदर लेवल पे है, ये बंदा ही अलग लेवल पर है। और इनकी कहानी पे आधारित जो फिल्म है गली बॉय, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस ट्रेलर में मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया वो थी आलिया भट्ट। जब सामने वाली आंटी उसको पूछती है बुरके वाली कि बेटा खाना वाना बना लेती हो, बोलती नहीं आंटी लेकिन आपका एक दिन लीवर ट्रांसप्लांट जरूर कर दूंगी। रणवीर सिंह बोलता अगली बार तू कसम खा तू उसको नहीं मारेगी कसम खा। आलिया भट्ट बोलती है एक काम कर तू मरी जा। जिस तरह से उसने एक टपोरी लैंग्वेज ली है, टपोरी स्लैंग लिया है इस पूरे ट्रेलर में, माइंड ब्लोइंग दिखाया गया है। रणवीर सिंह के साथ एक और बंदा है जो अंडरग्राउंड रैपिंग करते हुए दिखाया गया है यहाँ पे। एंड गाइस, इस ट्रेलर का सबसे हाईलाइट पॉइंट है विजय राज। विजय राज एंड रणवीर सिंह फादर इज लिटरली स्पीकिंग हाई ऑन व्हाट आई डोंट नो। जब उसको पकड़ता है रैपिंग करते हुए, तो उसको बोलता है ये पढ़ाई कर रहा है क्या, रंडापा कर रहा है। और जब रणवीर सिंह की माँ पे अपना विजय राज हाथ उठाता है, एंड रणवीर सिंह उसको जाके बोलता है अब्बा हाथ मत उठाना। एंड गाइस, आई थिंक रणवीर सिंह की माँ जो इस फिल्म में है वो रमन राघव में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बहन बनी थी, जिसको नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है मुर्गी बनाने के लिए, उसका उसका खून कर देता है। स्टाकास्ट इज स्टेलर। आई थिंक विजय मौर्या जी भी है इस फिल्म में, जो बोलते हैं ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ही बनेगा, ये क्या सपने देख रहा है तू करने के लिए। चाहे वो रणवीर सिंह को विजय राज का बोलना हो कि तेरी क्या औकात है, रणवीर सिंह बोलना अब लोग मुझको बताएंगे कि मेरी क्या औकात है। पहले सीन में किस तरह से अंडरग्राउंड बैटल ग्राउंड में एक अमीर बच्चा बोलता है नल्ली टी शर्ट नल्ले कपड़े तेरा अब क्या बोलेगा तू, उसमें मैं बेइज्जत होना, या उसके बाद अपने दोस्तों को समझाना मेरा जूता देख मेरा दारू देख मेरी गाड़ी देख, इसको रैप नहीं बोलते ये बताना। सब सीन्स जिस तरह से जोया अख्तर ने शूट किया है, इट इज लुकिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। एंड गाइस, जिस तरह से मुंबई को दिखाया गया है यहाँ पे, स्पेशली मुंबई 70 को बहुत बेहतरीन तरीके से, कालकी और आलिया भट्ट के बीच में क्लैश होता है, बोलता है मेरे आलिया भट्ट बोलती है मेरे छावे को क्यों पटाएगी तो मेरा दिमाग नहीं खत्म होगा क्या, उसके सर पे बॉटल मार देती है। एंड गाइस, किस तरह से रणवीर सिंह अंडरग्राउंड रैपिंग करने चले जाता है, गाने लिखता है, आलिया भट्ट उसको इंकरेज करती है गाने गाने के लिए, द स्लम्स द सॉन्ग्स। एंड जिस तरह से एक आम आदमी जिसके पास कोई बैकिंग और कोई बैकग्राउंड नहीं है, किस तरह से यहां से जब वो यहां पहुंचता है, ये है कहानी गली बॉय की, यानी कि रणवीर सिंह की। एंड आई थिंक सिर्फ आलिया भट्ट नहीं, रणवीर सिंह नहीं, बल्कि जोया अख्तर भी, ये सारे लोग अपनी जिंदगी की बेस्ट फिल्म बनाकर खड़े हुए यहां पर। बस 14 फरवरी जब ये फिल्म लगेगी थिएटर्स में, दिस इज गोना बी लिटरली स्पीकिंग फार ऑन स्क्रीन। यंगस्टर्स इस फिल्म को हिट कराएंगे मुंबई में, माइंड यू ये रिकॉर्ड ब्रेक बिजनेस करेगी, क्योंकि गाइस ये जो अंडरग्राउंड रैपिंग का कल्चर है, स्पेशली हिप हॉप रैपिंग का, आपों में मुझे पता नहीं मेरे चैनल पे कितने लोग हैं, लेकिन दीज गाइज आर रूलिंग यूट्यूब, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। ये जो एक रैपिंग कल्चर आ चुका है यहाँ पर, इट इज गोना टेक द वर्ल्ड ओवर। मैं खुद 2-3 दिनों से जितना हो सके रैप सुन रहा हूँ, मैं खुद ये लोग सब दिमाग पर चढ़ गए हुए हैं। एंड गाइज, दिस ट्रेलर इज 5/5 स्टार। इसके डायलॉग्स,
इसके पीछे क्या क्या रैप बज रहा है, अलग अलग गाने, आई थिंक 9-10 गाने इस फिल्म में अलग अलग रैपर्स है, एंड आई थिंक दिस गोना बी लिटरली अमेजिंग। देखिए ट्रेलर, बताइए कैसा लगा मेरे को, एंड गो फुल गन्स ब्लेजिंग। आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा आदमी होगा इसको ट्रेलर बुरा लगे या खराब लगेगा। ओके गाइस, मैं अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, क्या बोलती है बच्ची मम्मा है।